रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया। 24 अक्टूबर को ऐसी खबरें उड़ी। ये दावा रूस के एक टेलीग्राम चैनल की पोस्ट के आधार पर किया जा रहा था, लेकिन अब राष्ट्रपति कार्यालय ने इस पर सफाई दी है। पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही इन खबरों को क्रेमलिन ने खारिज किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से पत्रकारों को बताया गया कि पुतिन बिल्कुल ठीक हैं और खबरें अफवाह हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खबर उड़ी कहाँ से? पुतिन जूडो के खिलाड़ी रहे। बीते 7 अक्टूबर को उनकी उम्र हो गई 71 बरस, लेकिन पुतिन एक्टिव रहे। मीटिंग्स, पब्लिक इवेंट्स में पुतिन की मौजूदगी बनी रहती है। लेकिन रूस के एक टेलीग्राम चैनल पर दावा किया गया कि रविवार 22 अक्टूबर की शाम को पुतिन को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उस वक्त वो अपने बेडरूम में थे। टेलीग्राम चैनल के मुताबिक डॉक्टर्स को पहले ही पता चल गया था कि पुतिन को दिल का दौरा पड़ा और इस वक्त वो अपने आधिकारिक आवास में स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। खबरें आधिकारिक तौर पर अपुष्ट थीं। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बात की। दिमित्री ने इस दावे का खंडन किया कि रूसी राष्ट्रपति पब्लिक इवेंट्स के दौरान बॉडी डबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी डबल्स माने किसी व्यक्ति की तरह दिखने वाले लोग, मतलब आसान भाषा में कहें तो हम शक्ल। मूवीज में हीरो की जगह स्टंट करने, इंटीमेट सीन्स वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पत्रकारों ने रूसी टेलीग्राम चैनल के दावे को लेकर भी दिमित्री से सवाल किया। दिमित्री का कहना था उनके साथ सब कुछ ठीक है, ये पूरी तरह से एक और बोला गया झूठ है। बॉडी डबल्स के इस्तेमाल के बारे में पूछने पर दिमित्री हंसे। उन्होंने पुतिन के पास बॉडी डबल्स होने से इनकार किया। उन्होंने कहा इस तरह की बेतुकी जानकारी अफवाहों की कैटेगरी में आती है। इन चीज़ों पर मीडिया का एक पूरा वर्ग पूरी मजबूती के साथ चर्चा करता है, इस पर बस मुस्कुराया जा सकता है। साल 2022 के बाद से ये भी अफवाह है कि पुतिन को कैंसर और पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारियां हैं। ऐसी अफवाहों के मतलब तब और बल मिल जाता है जब कहा जाता है कि पुतिन सार्वजनिक जगहों पर कुछ असामान्य से दिखते हैं, वो कुछ फूले हुए से लगते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। बीते महीने एक रूसी टेलीग्राम चैनल पर जेड ब्लॉगर पोज़्याकोव की एक पोस्ट के बाद पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। बता दें रूस में युद्ध का समर्थन करने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर जेड ब्लॉगर कहा जाता है। पोज़्याकोव की पोस्ट में पुतिन की फोटो के साथ लिखा था, गॉड डोंट यू लीव अस, प्रे टू गॉड यू आर अलाइव एंड हेल्दी। यानी पुतिन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना। बॉडी डबल्स पर पुतिन भी बोल चुके हैं। क्या बोले? साल 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बॉडी डबल्स के इस्तेमाल से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये भी कहा कि सुरक्षा कारणों से एक बार पहले उन्होंने एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था। अब आते हैं बॉडी डबल्स पर, जिस पर पहले भी सवाल उठा। इस पर पुतिन भी जवाब दे चुके हैं। साल 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बॉडी डबल्स के इस्तेमाल से इनकार किया था, लेकिन ये भी कहा था कि सुरक्षा कारणों से एक बार पहले उन्होंने एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने अप्रैल में भी बॉडी डबल्स वाली बात को एक और झूठ कहा था कि पुतिन एकदम फिट हैं। उन्होंने कैंसर की अफवाह को भी काल्पनिक और झूठा कहकर खारिज किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने जुलाई में कहा कि जहां तक एजेंसी बता सकती है पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये जो बात आई थी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक वाली, वो पूरी तरह से फेक है। ये इस वीडियो का लबोलुआब है। ये सारी जानकारी मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। इसी तरह से वायरल और भ्रामक दावों के सच्चाई जानने के लिए आप ललन ड्रॉप देखते रहिए। शुक्रिया।